बहुत ब्लॉग हो गया है, बहुत घूमना फिरना हो गया। आज आपको एक जन समस्या के बारे में रूबरू कराता हूँ। ये हमारा एग्जॉन कॉलेज है, बगल में डीसी कॉलेज है, दो कॉलेजेस और भी हैं। मेन रोड के पे ही ये कूड़ा निवारण मशीन भी रखी हुई है और यहाँ रोज़ जाम भी लगता है। आपके सामने तस्वीरों में है, देखिए यहाँ का एक नज़ारा। और बरसात में यहाँ का यही एक हाल रहता है कि यहाँ इस तरह से जाम की स्थिति बनी रहती है और ये कूड़े की हालत और ये जाम। देखिए इस रोड पर बना हुआ ये कूड़ा घर जो आधा रोड ब्लॉक रखता है, आने जाने वालों राहगीरों को परेशानी होती है। और ये दुर्गंध की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपकी स्क्रीन पे आप ये जाम देख सकते हैं, ये कूड़े का अंबार देख सकते हैं। डबल रोड सिंगल हो चुकी है, एम्बुलेंस हो चाहे कोई भी गाड़ी हो वो इसी तरह जाम में फंसी रहती है। और आने जाने वालों को छोड़ो, यहाँ जो रहने वाले हैं उनको भी बहुत दुश्वारी परेशानी होती है। इस तरह से मिनी ट्रक्स भर भर के आते हैं और यहाँ पर कूड़ा छोड़ कर जाते हैं। और जो शासन प्रशासन है वो भी ध्यान दे प्लीज़, ये मेन रोड का मसला है और यहाँ पर इस तरह का परेशानी रहती है, अमूमन बनी रहती है और रोज़ बनी रहती है। और जब कभी बारिश होती है तो इससे बुरा हाल होता है की वजह से लगा हुआ जाम, जिसमें एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, राहगीर भी फंसे हुए हैं, आने जाने में भी तकलीफ़ है। आधे से ज़्यादा रोड कूड़े ने कवर कर रखा है और ये जाम ये बता रहा है कि यहाँ रोज़ क्या हाल रहता होगा। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते को होकर स्कूल जाते आते हैं उनका क्या हाल होता होगा। आप सोचिए समझिए और इसके लिए जो भी शासन प्रशासन है ध्यान दे और हमारी इस बात को समझे कि यहाँ जो भी बदबू आती है बारिश में, ये रोड पूरा गीला रहता है, जाम लगा रहता है, सब तरह की परेशानियाँ रहती हैं, तरह तरह की बीमारियाँ भी फैलती हैं, लेकिन कोई इसका निस्तारण निवारण नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों से बात हुई लेकिन उन्होंने बताया कि ये यहाँ कोई कुछ नहीं होता, इसी तरह सब परेशान रहते हैं। यहाँ ये कूड़े का ढेर और इसके सामने की ये जो गली है इसी में ये SB मेमोरियल पब्लिक स्कूल भी है, SB मेमोरियल कॉलेज भी है। और ये देखिए एग्जॉन स्कूल का प्लेग्राउंड और उसके सामने कूड़े का ये हाल। सोचिए ज़रा, समझिए कि बच्चे किस तरह खेलने जाते होंगे और उनका क्या हाल होता होगा, कैसे निकलते होंगे वो इस जगह से अपने प्लेग्राउंड में जाने के लिए, तो दुश्वारी किस तरह की होती होगी उन बच्चों को। तो प्लीज़ समझिए, सोचिए कि उन बच्चों के बारे में भी कुछ सोचिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एग्जॉन स्कूल का प्लेग्राउंड है, आगे एग्जॉन स्कूल है, जो LTech कंप्यूटर दिख रहा है इसमें DC कॉल दशरथ कैरियर कॉलेज है। तो ये इसी तरह का जाम बना रहता है कूड़े के इस अंबार की वजह से। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ आती हैं इसी तरह का मलबा फैला करके, छोटे बच्चे बड़े, जो DCM हैं इनकी वो भी, और जो इनके डाले हैं उसी पे भी कूड़ा आता है और इसी तरह कूड़ा फेंक फेंक करके वो इस रोड को आधे से ज़्यादा जाम रखते हैं और राहगीरों के साथ साथ सभी को निकलने में बहुत परेशानी होती है, दुश्वारी होती है, लेकिन कोई इसका निवारण नहीं हो रहा, निस्तारण नहीं हो रहा है, ना किसी की सुनी जा रही है। ये आप देख सकते हैं सामने गाड़ी कूड़े को डंप कर रही है, समझ लीजिए कहाँ कहाँ गंदगी कहाँ कहाँ तक फैल रही है। और ये लगभग 100 मीटर से ऊपर कूड़ा इस लंबाई में फैला हुआ है जो आप देख सकते हैं, 100 मीटर से ऊपर ही होगा मेरा एक लगभग अंदाज़ा। और राहगीरों को, आने जाने वालों को, सबको बहुत दुश्वारी परेशानी होती रहती है। तो जो भी इसके अधिकारी हैं तो प्लीज़ ध्यान दें और समझें कि जो आम जनता है उसको कितनी परेशानी होती है यहाँ से निकलने में, आने जाने में, और इस कूड़े की वजह से होने वाली बीमारियों के चक्कर में कितनी भयानक दुर्गंध उठती है कि यहाँ से निकलना भी दूभर होता है। लोग मुंह पे रुमाल लगा कर मुँह पे निकलते हैं यहाँ से। तो जो भी हैं वो प्लीज़ इस पर ध्यान दें, हमारी सेहतों का ध्यान दें और यहाँ पर रहने वालों का ध्यान दें। और इसकी वजह से काफ़ी टाइम दुर्घटना भी होती है यहाँ पर, ये देख रहे हैं क्या हालत है यहाँ पर आने जाने की। तो प्लीज़ इसके लिए जो भी लोग हैं वो प्लीज़ ध्यान दें और इस हमारी इस क्षेत्र के लोगों की जो समस्या है इसको दूर करने का जो भी अधिकारीगण है वो प्लीज़ कृपा करें और
इससे हम सब लोगों को छुटकारा दिलाएं। धन्यवाद।